हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम प्रिपेयर करेंगे क्लास ट्वेल्थ की बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 4 द रेड रैप के शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाउ डिड द पेडलर मेक द रेड रैप्स? फेरी वाला चूहेदान कैसे बनाता था? द रेड रैप सेलर, चूहेदान बेचने वाला, वाज अ वेगाबॉन्ड, एक घुमंतू आवारा किस्म का था जिसका कोई घर नहीं होता। द पेडलर मेड द रेड रैप्स, फेरी वाला चूहेदान बनाता था ऑफ वायर, तारों से। फ्रॉम द मटेरियल, उस सामान से, ही गॉट, वो पाता था बाई बैगिंग, भीख मांगकर, इन द स्टोर से, और एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े कृषि फार्मों से। ही मेड देम, वह उन्हें बनाता था, हिमसेल्फ माने स्वयं, एट ऑड मोमेंट्स, अतिरिक्त समय में। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द क्रॉफ्टर रिसीव द पेडलर इन हिज हाउस? किसान ने अपने घर में फेरी वाले का स्वागत किस प्रकार किया? आंसर देखेंगे। एज द पेडलर कम्स टू हिज कॉटेज, जैसे ही फेरी वाला झोपड़ी में आता है, द क्रॉफ्टर पुट्स द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गिव्स हिम सपर, किसान तुरंत ही दलिये के पात्र को चूल्हे पर चढ़ा देता है और उसको भोजन कराता है। ही गिव्स हिम टोबैको रोल फॉर हिज पाइप, और चिलम पीने के लिए तंबाकू देता है। फाइनली, अंततः, दे प्ले कार्ड्स अंटिल बेड टाइम, सोने से पहले तक वे लोग ताश के पत्ते खेलते हैं। व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, फेरी वाले के साथ कामगार इतना बातून और दोस्ताना क्यों था? द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, कामगार बिना पत्नी वाला और बाल बच्चों वाला एक वृद्ध व्यक्ति था। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू गेट द पेडलर टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, कि उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जो उसके अकेलापन बांट लेगा। सो ही वॉज वेरी टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, इसलिए वह बहुत बातून और दोस्ताना हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। Why did he show the 30 kroner to the peddler? उसने फेरी वाले को 30 kroner क्यों दिखाए? बहुत ही important question है। Answer है, the crofter showed the 30 kroners to the peddler. कामगार ने फेरी वाले को 30 kroner दिखाए। Who must have seemed incredulous that the cow gave so much milk? जो इस बात पर विश्वास ना करता हो कि गाय सच में इतना सारा दूध देती होगी या देती है। तब उसने दिखाया कि देखो, मैंने इससे इतने पैसे कमाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर? क्या फेरी वाले ने उस विश्वास का सम्मान किया जो कामगार द्वारा उस पर व्यक्त किया गया था? नो, नहीं, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट, फेरी वाले ने सम्मान नहीं किया द कॉन्फिडेंस, उस विश्वास का, रिस्पॉज्ड इन हिम, जो उस पर दिखाया गया बाय द क्रॉफ्टर, उस कामगार के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि द पेडलर स्टोल दोज 30 क्रोनर्स नेक्स्ट डे, उस फेरी वाले ने वे 30 क्रोनर अगले दिन चुरा लिए बाय स्मैशिंग द विंडो पेन, उस खिड़की के शीशे को चकनाचूर करके तोड़कर, वेयर द पाउच विद द 30 क्रोनर्स वाज हैंगिंग, जिस पर पाउच में 30 क्रोनर लटके हुए थे। तो ऐसी चोरी उसने की और उसका विश्वास भी तोड़ा। तो फ्रेंड्स, ये थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप प्रिपेयर करें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगले वीडियो में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्टडीज करते रहिए। बाय बाय।